जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, टुडे इज योर इंग्लिश क्लास एंड द टॉपिक इज मे बी यू नो माय डॉटर। इट इज अ स्टोरी रिटन बाय स्टीव वॉलकॉट एंड द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द डीप लव ऑफ अ पेरेंट फॉर हिज चाइल्ड हु कैन नॉट स्पीक एंड इज मेंटली चैलेंज्ड। इस स्टोरी में डीप लव ऑफ अ पेरेंट रिफ्लेक्ट हुआ है अपने बच्चे के लिए जो नहीं बोल सकती है और जो मेंटली चैलेंज्ड है। मे बी यू नो माय डॉटर, राइटर बोलते हैं शायद आप मेरी डॉटर को जानते हैं। ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, पिगटेल्स फ्लाइंग इन द ब्रीज, जिसकी कि ब्लॉन्ड हेयर है, उसकी आईज ब्लू हैं और उसकी पोनीटेल हवा में इधर उधर लहराती रहती है। इन्फेक्शियस स्माइल, इन्फेक्शियस स्माइल मीन्स कि वो जिस जो भी उसकी तरफ देखता है वो स्माइल करती है और अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी स्माइल इतनी प्यारी है। ऑलवेज रेडी विथ अ बबली, और हमेशा हम हंसते हुए वो सबको स्वागत करती है। हाय, इन्जॉयज फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल एंड लव्स टू रन, उसको फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल ये सब पसंद है। एंड लव्स टू रन, दौड़ना तो बहुत पसंद है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई कांट कीप अप विथ हर, और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं उसके साथ नहीं रह पाती हूँ। लव्स टू वॉच चेपाडी, लव्स पिज्ज़ा, कोक, पीनट, पीनट एम एंड एम एस, बॉलिंग एंड रोलर स्केटिंग। देखिए इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो उसको पसंद है। चेपाडी, लव्स पिज्ज़ा, कोक, पीनट, बॉलिंग, रोलर स्केटिंग, ये सारी चीज़ें वो करती है। इवन दो शी इज़ नॉट वेरी गुड एट ईदर वन, हालांकि वो किसी भी चीज़ में बहुत अच्छी नहीं है लेकिन करना सब चाहती है। कैन फ्लैश दैट स्माइल एंड मेक द क्लाउड्स डिसअपियर, और ये सब करना चाहती है इसलिए जितने भी ऐसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स मीन्स कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो क्या करेगी आगे जाके, तो ये सारी चिंताएँ मेरी डिसअपियर हो जाती हैं जब भी वो स्माइल करती है। Doesn't read very well, बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाती है, but she is working on it, लेकिन फिर भी हमेशा कोशिश करती है और उस काम को करने की जो वो नहीं कर पाती है, तो इसी कारण यही एक रीज़न है जिसके कारण कि वो सब काम कर पाती है, क्योंकि वो जो भी नहीं कर पा रही है उसके लिए वो हार्डवर्क करती है, हमेशा कोशिश करती है। ये हमें भी करना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए जितना आप हार्डवर्क करोगे आप उसमें उतना आपका परफेक्शन आएगा। बाय द वे डिड आई मेंशन शी इज़ मेंटली डिसेबल्ड, और फिर क्या मैंने आपको बताया कि वो मेंटली डिसेबल्ड है? ये कौन बोल रहे हैं? राइटर। इन सेकंड पैराग्राफ मे बी यू नो माय डॉटर, शायद आप मेरी डॉटर को जानते हैं। शी इज़ द वन हु इंसिस्ट्स ऑन वेयरिंग दैट गॉड ऑफुल बेसबॉल कैप आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स ऑन हर हेयर। वो एक ऐसी बच्ची है जो अपने सिर पर एक बेसबॉल कैप पहनना चाहती है और बहुत दिनों, बहुत देर तक वो अपने हेयर पर उसको ट्राई करती रहती है, कोशिश करती है कि वो कैप को अपने सिर पर रख ले, पहन ले कैप को। शी इज़ मोर एट होम इन ब्लू जीन्स एंड अ स्वेट शर्ट, और वो अक्सर घर में जब भी होती है तो ब्लू जीन्स और स्वेट शर्ट पहनती है। बट बॉय इज नो इज शी अ नॉक आउट इन अ ड्रेस, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई एक बॉय है। अ सेंस ऑफ ह्यूमर दैट इज स्लाइटली वॉब टेक्स आफ्टर हर डैड ऑन दैट वन, और सेंस ऑफ ह्यूमर उसका इतना ज़्यादा है कि उसके डैडी हमेशा ही उसके साथ में होते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। Loves new clothes, उसको नए कपड़े बहुत पसंद हैं। Hates to shop, लेकिन शॉप पर जाना पसंद नहीं है। Takes after mom on that one, अपनी मॉम के साथ में वो कभी कभी जाती है। Has about a billion stuffed animals, उसके पास बहुत सारे stuffed animals हैं। Always says her favorite is the last one she got, but when push comes to shove, always picks her musical teddy bear. उसको बहुत सारे एनिमल्स पसंद हैं लेकिन जब भी आप उससे पूछोगे कि आपको सबसे ज़्यादा, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो वो हमेशा यही कहती है, लास्ट वन, जो अभी अभी मेरे पास है, क्योंकि उसकी जो लर्निंग पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मेंटली डिसेबल्ड तो बताया ही है उसको, तो उसको हमेशा वही चीज़ याद होती है जो अभी तुरंत हुई है उसके साथ में।
तो उसके पास जो लास्ट एनिमल होता है वही उसको सबसे ज़्यादा पसंद है, ऐसा वो बोलती है। और हमेशा वो एक म्यूज़िकल टेडी बियर जो है उसको ले आती है और बोलती है कि मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। लाइक्स बर्थडे केक, बर्थडे पार्टीज़, स्पेशली हर्स क्रिसमस, ईस्टर एंड ईटिंग एट मैकडोनल्ड्स। उसको क्या क्या पसंद है? बर्थडे केक, बर्थडे पार्टीज़ में जाना, क्रिसमस और ईस्टर और मैकडोनल्ड्स में खाना। डिड आई मेंशन शी डजंट टॉक वेरी गुड एंड यूज़ साइन लैंग्वेज? क्या मैंने पहले मेंशन किया कि वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती है और साइन लैंग्वेज यूज़ करती है? इन थर्ड पैराग्राफ, हैव यू मेट माई डॉटर? क्या आप मेरी डॉटर से मिले हैं? शी लव्स टू टेररइज हर ब्रदर्स, उसको अपने भाइयों को डराना बहुत पसंद है। देन कम्स रनिंग टू डैडी फॉर प्रोटेक्शन, और उनको डराने के बाद फिर वो अपने प्रोटेक्शन के लिए डैडी के पास आ जाती है। फॉर सम रीज़न शी जस्ट कांट रेजिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ देयर बेसबॉल कार्ड्स, टेप्स एंड पोस्टर्स। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो कार्ड्स, टेप्स और पोस्टर, बेसबॉल कार्ड्स, टेप्स एंड पोस्टर्स, इनका टेम्पटेशन नहीं रोक पाती है। आई गेस देयर मस्ट बी बेटर देन हर ओन स्टफ, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास अपने खुद के बहुत सारी चीज़ें हैं। लव्स टू फॉल asleep ऑन द काउच विद डैड while वॉचिंग कार्टून्स ऑन लेजी सैटरडे मॉर्निंग्स। सैटरडे मॉर्निंग्स को, क्योंकि सैटरडे संडे अक्सर ऑफ होता है सबका, तो उस मॉर्निंग में बहुत ही लेजीनेस होती है उसको, और काउच पर वो अपने डैडी के साथ में कार्टून्स देखना बहुत पसंद करती है। हेट्स अर्ली बेड टाइम्स, जल्दी सोना उसे पसंद नहीं है। हेट्स गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना भी पसंद नहीं है। जबकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसा बोलते हैं और ऐसा होता भी है। स्टूडेंट्स को तो हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए, लेकिन उसको ये पसंद नहीं है। लव्स स्कूल, स्कूल पसंद है। गेट्स बोर्ड ड्यूरिंग चर्च, लेकिन चर्च के दौरान वो बोर हो जाती है। इज़ लर्निंग टू राइड अ बाइक नॉट वेरी गुड येट, बाइक पर राइड करना भी उसको बहुत ज़्यादा नहीं आता है। Wants desperately to keep up with her brothers, लेकिन अपने brothers के साथ में वो bike पर बैठना चाहती है। Sometimes they slow down to give her a chance, sometimes they don't. तो कभी कभी तो वो उसको एक chance देते हैं चलाने का, लेकिन कभी कभी नहीं देते हैं। Loves being outside, बाहर रहना पसंद है। Loves animals, especially her dog Sandy, उसको animals भी बहुत अच्छे लगते हैं, especially उसका dog जिसका नाम Sandy है। Loves walking in the rain and splashing in mud puddles. और जब रेन होती है तब तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और जो कीचड़ हो जाती है उसमें भी पानी में पैर मार मार के चलना बहुत पसंद है ताकि कीचड़ यहाँ वहाँ उछले। Looks like an absolute angel when she is sleeping, और जब भी वो सोती है तो बिल्कुल एक एंजल जैसी लगती है। Sometimes has devil's horns during the day, लेकिन कभी कभी जब गुस्सा होती है दिन के दौरान तो लगता है कि जैसे कोई डेविल आ गया हो। Oh, she also goes to a special class. वो एक special class जाती है। Maybe you know my daughter. I love her intensely and wouldn't trade her for anything in the world. शायद आप मेरी daughter को जानते हैं। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुझे उतनी प्यारी नहीं है। Could you? Maybe would you? शायद आपको भी ऐसा ही लगता होगा। Try to see how much she is the same instead of how little she is different. और ये देखने की कोशिश करिए कि वो दूसरे बच्चों से कितनी सिमिलर है और कितनी डिफरेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ मेंटली चैलेंज्ड चाइल्ड एंड इट रिफ्लेक्ट्स डीप लव ऑफ अ पेरेंट फॉर हिज चाइल्ड। जय गुरुदेव, थैंक यू।